भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल अबाउट इको में। और आज इस वीडियो में हम हिकविजन के कैमरे को एंड्रॉयड टीवी पर चलाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इस वीडियो को लेके आए हम, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का डिमांड था कि एंड्रॉयड टीवी में हमें हिकविजन कैमरे को चलाना है तो किस तरह से चलाएँगे। हिकविजन में सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर में चलेंगे। तो देखिए, ये हमारा प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर खुलने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर में सर्च का ऑप्शन आ रहा है। रिमोट से हम ऊपर करेंगे और सर्च में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करें हम हिकविजन को ऑनलाइन चलाने के लिए ऐप आता है जिसका नाम है हिक कनेक्ट। तो सबसे पहले इस पर टाइप करेंगे हम हिक कनेक्ट। देखिए, कनेक्ट करने के बाद इसको हम सर्च करेंगे यहाँ से। देखिए, हिक कनेक्ट सर्च करने के बाद बहुत सारा एप्लीकेशन आ रहा है, लेकिन हिक कनेक्ट का एप्लीकेशन इसमें शो नहीं करेगा। तो कोई भी एंड्रॉयड टीवी है जिसमें हिक कनेक्ट का एप्लीकेशन शो नहीं करता, तो उसके लिए भी एक अलग से सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे QUIC क्विक देखिए, इतना टाइप किए हैं QUIC के क्विक। इतना ही टाइप करने के बाद हम बैक, ये देखिए बैक का बटन है, इसको बैक करेंगे हम। बैक करने के बाद देखिए, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें क्रोम वगैरह हम चलाते हैं, कोई भी इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए जो सर्च होता है उसको एंड्रॉयड टीवी में चलाने के लिए हम क्विक सर्च के नाम से जानते हैं, और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम। ये देखिए, हमारा टाइमलाइन शुरू हो गया। देखिए, 100% हो गया, इंस्टॉलिंग हो रहा है हमारा। थोड़ा सा टाइमिंग लेगा क्योंकि एंड्रॉयड टीवी में उतना फास्ट नहीं चलता है जितना हम लोग पीसी में या लैपटॉप में हम लोग ब्राउज करते हैं। तो देखिए, यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करेंगे रिमोट से हम। देखिए, ओपन करने के बाद ये हमें परमिशन मांगेगा। तो देखिए, रिमोट से नीचे करेंगे और ये देखिए यहाँ एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, इस पर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे देखिए कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अपग्रेड टू प्लस वर्जन, इसको अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, तो हम फिलहाल अभी अपग्रेड नहीं करेंगे। ऊपर साइड में कट का निशान आ रहा है, इसको ऊपर जाके हम कट कर देंगे। अब देखिए, ये यहाँ पे क्विक सर्च तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऐप पूछ रहा है, तो क्विक सर्च को हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे। देखिए, सेट एंड डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए टाइप करेंगे ए पी टी एफ
वाइट देखिए यहाँ पे टाइप करेंगे हम APTOIDE एप्टॉइड टीवी। एप्टॉइड टीवी करने के बाद फिर से बैक जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है एप्टॉइड टीवी APK, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला वेबसाइट जो आएगा आपका उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए एप्टॉइड टीवी आ गया आपका, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे रिमोट से। देखिए डाउनलोड एप्टॉइड टीवी आपका आ रहा है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। देखिए डाउनलोड जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल और डाउनलोड, तो हम इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये हमारा देखिए बैकग्राउंड में आपका डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद फिर देखिए आपके रिमोट में बटन होगा USB का, जिसमें हम लोग पेन ड्राइव वगैरह लगा के हम लोग चलाते हैं, तो USB का बटन इसमें दबाएंगे हम। USB का बटन दबाने के बाद यहाँ अलाउ का परमिशन मांग रहा है, हम इसको अलाउ कर देंगे। SD कार्ड में जाएंगे। SD कार्ड में जाने के बाद कोई भी फोल्डर हम डाउनलोड करते हैं, कुछ भी इंटरनेट से हम डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड के फोल्डर में आ जाता है। हम इसको डाउनलोड को ओपन करेंगे। देखिए पहले हमने एक गलत दूसरे वर्जन का डाउनलोड कर लिया था, तो इसको नहीं, हम एप्टॉइड टीवी 5.1 वर्जन का हमें डाउनलोड करना है, तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। हम थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ से आपका एक परमिशन पूछेगा डाउनलोड एनीवे, तो यहाँ से इंस्टॉल करेंगे हम। ये रिमोट से आपको आगे पीछे करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इधर जाना है नहीं जाना है। यहाँ से फिर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन है, सर्च में हम जाएंगे। सर्च में यहाँ पे टाइप करेंगे हम हिक कनेक्ट, तो देखिए रिमोट से हम टाइप कर लेंगे हिक CO WN। देखिए ऊपर में हिक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हिक कनेक्ट टाइप करने के बाद देखिए हिक कनेक्ट का ऑप्शन आ गया है, इस पर जाएंगे हम, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद देखिए हम जाएंगे इसमें अदर वर्जन में, अभी इंस्टॉल नहीं करना है इसको, अदर वर्जन में हमको जाना है। और देखिए यहाँ पे दो तीन तरह का आपको वर्जन मिलेगा, तो सबसे नीचे वाला आप जो 3.11 का जो वर्जन मिलेगा इसको इंस्टॉल कर लेना है, 77 MB का आपको मिलेगा, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसको इंस्टॉल करेंगे हम। देखिए उसी टाइम में ये देखिए आपका परसेंटेज बढ़ने लगेगा। देखिए हिक कनेक्ट हमारा इंस्टॉल हो गया है 99%, अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर से इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा इंस्टॉलिंग बचा हुआ रहेगा तो यहाँ से परमिशन एक मांगेगा इंस्टॉल एनीवे, फिर से इसको इंस्टॉल एनीवे करेंगे तो ये पूरा अपने आप हो जाएगा। देखिए यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा हिक कनेक्ट टीवी में इंस्टॉल हो गया और ये परमिशन मांग रहा है, तो इसको अलाउ कर देंगे हम। सेलेक्ट कंट्री रीजन, मतलब ये हमारा कंट्री पूछ रहा है, तो इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद नीचे हम आएंगे अपना, इसमें इंडिया हम ऊपर में टाइप करेंगे हम।
ऊपर में टाइप कर देंगे आई एन डी, देखिए दूसरे नंबर पे इंडिया आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे हम और ऊपर यहाँ से देखिए यहाँ से टिक कर लेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे। इसमें एक चीज़ का आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, जो हम रिमोट से कनेक्ट में ऊपर नीचे करते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि रिमोट से हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अंदाजे के हिसाब से हम सबसे ऊपर कर लेंगे और यहाँ ये वाला टिक को हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ये कंट्री हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हमारा जो हिक कनेक्ट का आईडी बना हुआ होगा वो आईडी से हम इसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जाएंगे, यहाँ से बैक आएंगे, दूसरा फोल्डर सेलेक्ट हो गया था, यहाँ से बैक कर लेंगे हम। अब देखिए नीचे आके आपको पता नहीं लगेगा रिमोट से, तो अगर इसकी इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक आपको देखिए हमने इसमें माउस लगा रखा है, आप इसको माउस से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी पता नहीं लग रहा है तो इसको हम रिमोट को साइड में रखते हैं और इसको देखिए जैसे ही माउस लगाइएगा आपका एरो यहाँ पे शो कर देगा। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे हम, लॉगिन पर क्लिक करने के लिए जो हमारा ही कनेक्ट का आईडी रहेगा हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, मतलब डाल देंगे। देखिए माउस लगाने के बाद ये आपका कीबोर्ड टाइप नहीं होगा, माउस से टाइप नहीं होता है, सिर्फ सेलेक्ट होता है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा तो सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए फिर से हम अपने रिमोट को उठाएंगे और इसमें अपना आईडी डालेंगे। देखिए आईडी डालने के बाद फिर से हम बैक वाला बटन दबाएंगे, बैक वाला दबाने के बाद नीचे वाला एरो से हम इसको नीचे कर लेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे हम। देखिए हमने इसमें पासवर्ड डाल दिए हैं, अब रिमोट को साइड में रखेंगे और यहाँ से हम लॉगिन करेंगे माउस से। ये थोड़ा सा जीमेल में आई नहीं डाले थे तो ये गलत बता रहा है, तो फिर से इसमें हम टाइप कर लेंगे। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा क्योंकि रिमोट से उतना पता नहीं चलता है। देखिए यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद देखिए वर्जन का पूछ रहा है कि आप इस वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं, देन फिलहाल तो यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए डिवाइस आपका ऐड हो जाएगा, ये आपका कुछ एरर आएगा तो इसको नेवर शो अगेन कर लेंगे और यहाँ पे हमारा दिखे डिवाइस का नेम दिखा रहा है होटल का, इस पर डबल क्लिक करेंगे हम। डबल क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो आपका DVR में या NVR में जो वेरिफिकेशन कोड होता है
वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, देखिए हम फिल कर लेते हैं। देखिए जैसे फिल कीजिएगा आपका कैमरा प्ले हो जाएगा। देखिए 16 का डीबी आ रहे थे, यहाँ से माउस से आप राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कीजिएगा और यहाँ 16 पे आ जाइएगा। देखिए धीरे धीरे प्ले हो जाएगा वो। ये आपका नेट का स्पीड के हिसाब से चलेगा, जैसे ही हमारा नेट फास्ट होगा ये अपने आप जल्दी खुलने लगेगा। तो देखिए हमारा कैमरा प्ले हो गया। इसको HD या नॉन HD में करने के लिए माउस का राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए आपको स्टिकर सटा हुआ ये दिख नहीं रहा होगा, बेसिक का ऑप्शन आ रहा होगा। जो भी हिक कनेक्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि हम बेसिक में नॉन HD चलता है और HD में HD चलता है। तो यहाँ से हम बेसिक से HD कर लेंगे। देखिए HD का ऑप्शन आ रहा है, इसको HD कर लेंगे। ये फिर से लोडिंग लेगा, आपका HD में दिखाने लगेगा। तो ये है हिक कनेक्ट का एप्लीकेशन को। देखिए हमारा कैमरा प्ले हो गया है। हिक कनेक्ट का एप्लीकेशन को चलाने के लिए इतना प्रोसेस आपको एंड्रॉयड TV में करना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉपरली काम करेगा। देखिए इसमें साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये हमारा कैमरे में साउंड है इसलिए साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, इसका वॉल्यूम पहले कम कर लेते हैं। देखिए हमारा धीरे धीरे सारे कैमरे प्ले हो रहे हैं। बड़ा करने के लिए इसको डबल क्लिक कीजिएगा। ये हिक कनेक्ट का एप्लीकेशन आपको हाई वर्जन में मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका TV उस हिसाब से कंफर्टेबल बैठता है या नहीं बैठता है। नहीं तो कोई लोकल TV ले लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हैंग करेगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से TV में हमको चलाना है। इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा आपका। ये देखिए थोड़ा सा TV हैंग कर रहा है, ऐसे ओके करेंगे इसको। तो ये हमारा हिक कनेक्ट का प्रोसेस यहीं तक था। देखिए ऊपर में कुछ आपको सेटिंग वगैरह आपको मिल जाएगा, जैसे प्लेबैक आपको चेक करना हो या हिक कनेक्ट का एप्लीकेशन को शेयर करना हो, तो ये सारे सेटिंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए आपको डिवाइस डिलीट करना हो या ऐड करना हो, आप TV से भी ऐड कर सकते हैं। तो बाकी तो एंड्रॉयड TV में चलाने का यही इतना प्रोसेस था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक विजन तो आपका हो गया, दहुआ CP+ को कैसे एक एंड्रॉयड TV में चलाते हैं उसका भी वीडियो हम लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।